आपने दोनों दावों को काउंटर किया है कि वो देश बिकने भी दे रहे हैं और झुकने भी दे रहे हैं। मैं तो उनको देख के नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जो सच है वो बोल रहा हूँ। देश झुका भी है, देश बिका भी है, और अगर लोग नहीं खड़े हुए और उन 24 में सरकार को नहीं बदला तो देश पूरा बिक जाएगा। मैं अभी गुवाहाटी एयरपोर्ट पे आया, मुझे गुवाहाटी से आना पड़ता था, एक लड़की खड़ी थी गुलदस्ता लिए, मैं कहा बेटे आप कौन, कि मैं अडानी की तरफ से आई हूँ। अडानी का यहाँ क्या मतलब, कहने लगे थी एयरपोर्ट ही हमको दे दिया है, 11 एयरपोर्ट दिए उसको, तो देश बिक भी रहा है और झुक भी रहा है। सतपाल मलिक का मोदी पर नया धमाका, देश बेच भी रहे हैं, देश को झुका भी रहे हैं, देश बिक भी रहा है, देश झुक भी रहा है। जी हाँ, दरअसल द वायर ने एक बार फिर से सतपाल मलिक का इंटरव्यू लिया और इस इंटरव्यू में सतपाल मलिक ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोल दिया है। उन्होंने सीधा प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी के नेतृत्व में जो 56 सीने की बात और देश और दुनिया को विश्वगुरु बनाने की बात, लेकिन असल में सब खोखला है। देश को प्रधानमंत्री मोदी पूरी तरीके से अपने मित्रों को बेच रहे हैं और देश को बेचा भी जा रहा है और देश को झुकाया भी जा रहा है। चाइना लगातार पूरी तरीके से जो है वो हमारे हम पे चढ़ा हुआ है। इस बीच आपको बता दें, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि सीधे तौर पर जो है वो देश को तोड़ने और बेचने के लिए ही मोदी सरकार, यानी मोदी सरकार अपने मित्रों को, अडानी को, तमाम लोगों को पूरा देश बेचा जा रहा, और 2024 में इनका सफाया होगा। और अगर 2024 में इनका सफाया नहीं हुआ तो देश फिर ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां से वापस विपक्ष तो क्या इस देश का 25 करोड़ जनता भी नहीं लेकर आ पाएगा। यानी सीधे तौर पर उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया है कि देश को बचाने के लिए, देश को झुकाने से बचाने के लिए मोदी का सफाया जरूरी है। जरा सुन लीजिए जो मोदी कहते हैं कि न देश झुकने दूंगा न बिकने दूंगा, सतपाल मलिक जो कि 5 बार के राज्यपाल रह चुके हैं उन्होंने ही